नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित कुमार सिंह, मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं आप सबसे डिप्रेशन या अवसाद के बारे में कुछ बातें करूँगा। सबसे पहले हम जान लें डिप्रेशन कहते किसे हैं, डिप्रेशन होता क्या है। ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति ज़्यादातर टाइम दुखी रहता है, उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है, खुशी वाले माहौल में उसे खुशी महसूस नहीं होती है, या पहले जिन चीज़ों में उसे प्लेजर मिल रहा होता है उस व्यक्ति को उन चीज़ों में प्लेजर नहीं मिलता है, नींद में डिस्टर्बेंस होता है, सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं, भूख कभी कभी ज़्यादा लगती है या बिल्कुल भी नहीं लगती है। और डिप्रेशन को हम नॉर्मल दुख या सैडनेस जिसको बोलते हैं उससे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिप्रेशन परिस्थितियों या सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ कुछ बुरा हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है तो हम दुखी होते हैं। जैसे अगर हमारा किसी से झगड़ा हुआ है, हमारे किसी हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे हमारा झगड़ा हो गया है, हम दुखी हैं। कल चीज़ें ठीक हो गई तो हमारा मूड ठीक हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन परिस्थितियों पर डिपेंडेंट नहीं होता है। आपका किसी से झगड़ा हो नहीं हो, घर में खुशियाँ हो घर में दुख हो, आपका मूड एक जैसा ही रहता है, जो कि ज़्यादातर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे ज़्यादातर टाइम लो ही रहता है, इंसान ज़्यादातर टाइम दुखी ही रहता है। अब ये कितने दिन ऐसे होने से हम सोचेंगे कि इंसान को डिप्रेशन हो रहा है, इस व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है। हमारी डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस में लिखा है 14 दिन। तो कम से कम 14 दिन आप अगर इन सिम्टम्स को देख रहे हैं किसी में तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति एक मानसिक बीमारी जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं उससे सफर कर रहा है। अब डिप्रेशन हमें लग रहा है किसी को डिप्रेशन है या हमारे आसपास या हमारे चाहने वाले किसी को डिप्रेशन है तो हमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो उनकी तकलीफ़ों को सुनना है, रादर देन अपनी एडवाइसेस देने की बजाय हम उनको ये एडवाइसेस नहीं देंगे कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, दुखी होने का कोई रीज़न नहीं तुम्हारे पास, ऐसे दुखी नहीं होना है, तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, खुश होने की कोशिश करो। हमें ये नहीं करना है उन इंसानों उन व्यक्तियों के साथ। हमें उनकी परेशानियाँ सुननी है। वो जो सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति एक मानसिक बीमारी जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं उससे सफर कर रहे हैं। अब डिप्रेशन हमें लग रहा है किसी को डिप्रेशन है या हमारे आसपास या हमारे चाहने वाले किसी को डिप्रेशन है तो हमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो उनकी तकलीफ़ों को सुनना है, रादर देन अपनी एडवाइसेस देने की बजाय हम उनको ये एडवाइसेस नहीं देंगे कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, दुखी होने का कोई रीज़न नहीं तुम्हारे पास, ऐसे दुखी नहीं होना है, तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, खुश होने की कोशिश करो। हमें ये नहीं करना है उन इंसानों उन व्यक्तियों के साथ। हमें उनकी परेशानियाँ सुननी है। वो जानबूझ के दुखी नहीं हो रहे हैं या किसी सिचुएशन की वजह से दुखी नहीं है, वो एक बीमारी की वजह से दुखी हैं। उनकी परेशानियाँ सुनिए और आपको अगर लगता है कि एक डिप्रेशन है, ये मानसिक बीमारी है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए, साइकियाट्रिस्ट से या थेरेपिस्ट से आप मिलिए। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या क्या है पॉसिबल, ये डिपेंड करता है डिप्रेशन की सीवियरिटी पे। डिप्रेशन की 3 तरह की सीवियरिटी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड डिप्रेशन में हम जनरली मेडिकेशंस नहीं देते हैं, तो सीवियरिटी क्लिनिशियन डिसाइड करते हैं, एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं। तो माइल्ड डिप्रेशन में हम मेडिसिंस नहीं देते हैं। माइल्ड डिप्रेशन में हम जनरली लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने को बोलते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस बोलते हैं, कुछ रूटीन्स बोलते हैं, बताते हैं। मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन के लिए हम मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात, डिप्रेसिव पेशेंट्स, बहुत सारे डिप्रेसिव पेशेंट्स जो कि सीवियर डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं, उनके सुसाइडल ख्याल आते हैं उनके माइंड में। ऐसे लोगों की बातें सुननी है, ऐसे लोगों के तौर तरीकों पे नज़र रखनी है, उनके दिनचर्या पे नज़र रखनी है आपको, वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अगर आप सस्पेक्ट करते हो
कि कोई पर्सन है, अगर वो खुद से रिवील कर रहा है कि नहीं मेरे को सुइसाइड करने की इच्छा हो रही है, मुझे मरने की इच्छा हो रही है, तो आप उसकी बात सुनेंगे, ना कि ये बोल के कि ये सब बेकार ख्याल आते हैं, ऐसे नहीं सोचना है, वो नहीं करना है, ये गलत काम है। ठीक है, आप उनकी बात सुनिए, आप उनकी हेल्प करिए, प्लस उन पर नज़र रखिए, उनको अकेला ना छोड़िए, जितनी जल्दी हो सके एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें डिप्रेशन के बारे में इन शॉर्ट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।